हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूके चैनल। और मैं आज आपके सामने लाया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट डे। आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट डे से। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट डे का टॉपिक है अपना एक नॉर्मल कंसेप्ट, डैट इज़ पहला देखिए, शिक्षक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? टीचर या सर, मे आई कम इन, मे आई कम इन। दूसरा सेंटेंस देखिए, शिक्षक मैं नहीं समझा। अगर कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आती, टीचर ने समझाया फिर भी अपने को समझ में नहीं आया, तो टीचर को हम क्या बोलते हैं? टीचर और सर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मतलब मुझे ये नहीं समझा, आप फिर से समझाइए। ठीक है, तीसरा देखिए, शिक्षक क्या मैं पानी पी सकता हूँ। अगर बीच में अपने को सपोज़ टीचर पढ़ाते पढ़ाते अपने को बीच में प्यास लग गई, तो हम क्या बोलते हैं कि शिक्षक क्या मैं पानी पी सकता हूँ। टीचर और सर, कैन आई ड्रिंक वाटर। टीचर रहे तो, लेडीज़ रहे तो टीचर, ठीक है, जेंट्स रहे तो सर बोलते हैं, कैन आई ड्रिंक वाटर। ओके, परमिशन लेते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, शिक्षक पानी भरने के लिए जाओ। हमारी बॉटल अगर खाली हो गई है तो हम थोड़ा सा परमिशन मांगते बॉटल भरने के लिए, तो क्या बोलेंगे आप? सर कैन आई गो टू फिल माई वाटर बॉटल, कैन आई गो टू फिल माई वाटर बॉटल। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, शिक्षक ये मुझे परेशान कर रहा है। अगर कोई दोस्त हमको परेशान करता है तो हम क्या बोलते हैं? शिक्षक ये मुझे परेशान कर रहा है, डैट इज़ इंग्लिश में क्या बोलोगे? टीचर और सर, ही या शी, लड़का रहे तो ही, लड़की रहे तो शी, ठीक है, Is teasing me, क्या बोलोगे? Teasing me, he is teasing me या she is teasing me, मतलब वो मुझे परेशान कर रहा है। छठवां सेंटेंस देखिए, सिक्स सेंटेंस है अपना, शिक्षक आओ साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, अभी टिफ़िन की बेल हो गई, सपोज़ ब्रेकफास्ट का हो गया, लंच का टाइमिंग हो गया, तो अगर सर हमारे आसपास है तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि सर को आइए हम साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या बोलोगे आप? टीचर और सर, लेट्स हैव इट टुगेदर। ऐसा दोस्तों को भी बोल सकते हो कि अगर कोई दोस्त है आसपास में और उनके सामने आप खाना खा रहे हो, तो हम ऑलरेडी बोलते हैं कि लेट्स हैव इट टुगेदर, आओ साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, सातवां सेंटेंस है, सर क्या मैं उसे अपनी पेन दे दूँ। ठीक है, अगर अपने दोस्तों में से किसी की पेन अगर ख़त्म हो गई तो ठीक है, उसको अगर देना है तो हम क्या बोलेंगे? सर कैन आई गिव हिम माय पेन, क्या मैं उसे अपनी पेन दे दूँ। ठीक है, तो ये है सेवन सेंटेंस। ओके, आठवां सेंटेंस देखिए, सर वो मेरा पेन नहीं दे रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं ऐसे जो मस्ती करते हैं, ठीक है, परेशान करते हैं, तो अगर अपने को पेन नहीं दे रहे तो हम क्या बोलते हैं? सर ही इज़ नॉट रिटर्निंग माई पेन, ही इज़ नॉट रिटर्निंग माई पेन, वो मेरा पेन नहीं दे रहा है। नाइन्थ सेंटेंस देखिए, सर कल करके दूंगा। सपोज़ हमारा कुछ होमवर्क वगैरह रहा, कुछ वर्क वगैरह रहा, हमने कंप्लीट नहीं किया, तो क्या बोलते हैं? सर प्लीज़ आज मैं भूल गया, या मैं कल करके दूंगा। तो ठीक है, तो कल करके दूंगा, इसके लिए आप क्या बोलोगे? सर आई विल सबमिट माय वर्क टुमारो। आज सपोज़ कंप्लीट नहीं है तो हम बोलते हैं कि हम कल तक कंप्लीट करके देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? आई विल सबमिट माय वर्क टुमारो। ओके, दसवां सेंटेंस है, सर मैं अपनी किताब घर भूल गया। अब ऐसा तो वो स्टूडेंट्स के साथ होता है, अरे ये तो किताब लाया ही नहीं, मैं घर भूल गया। ठीक है, या बहाने भी बोल सकते हैं, तो ऐसे में क्या बोलेंगे? सर मैं अपनी किताब घर भूल गया। सर आई फॉरगेट माई बुक एट होम, सर आई फॉरगेट माई बुक एट होम, मैं अपनी किताब घर भूल गया। ग्यारहवां सेंटेंस देखिए क्या होगा, शिक्षक क्या मैं कचरा फेंक दू। ठीक है, अगर कोई कचरा किया है, हमने कुछ पेंसिल वेंसिल शार्प किए हैं या बुक के पेजेस वगैरह फाड़े हैं, ठीक है, तो कचरा हो गया तो हम इधर उधर फेंक नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? शिक्षक को बोलेंगे कि शिक्षक क्या मैं कचरा फेंक दूँ। तो ऐसे में क्या बोलोगे इंग्लिश में? टीचर कैन आई थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन, टीचर कैन आई थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन। ठीक है,
ट्वेल्थ सेंटेंस देखिए, सर कल मैं नहीं आ सकता। सपोज गांव जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, या कोई अर्जेंट अगर काम रहे, ठीक है, तो कल अगर आना नहीं हो सकता तो सर को हम अगर पहले ही बता देंगे कि सर कल मैं नहीं आ सकता। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सर आई विल नॉट कम टुमारो। सर आई विल नॉट कम टुमारो। ओके, तो लास्ट अभी देखते हैं, लास्ट 13 सेंटेंस। चलो वहाँ पे खाना खाते हैं, ठीक है, तो देखो चलो वहाँ पे खाना खाते हैं, इसको क्या बोलोगे? लेट्स हैव ईट देयर। लेट्स हैव ईट देयर। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट डे। देखिए, सीखिए, प्रोनाउंट कीजिए, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।